समय G20 समिट जो हुआ भारत में, और उस G20 समिट की खाने की मुख्य थीम थी मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स उत्पादन में भारत नंबर वन पर है। ये अनाज में आप देख रहे हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी, इन्हें मिलेट्स यानी मोटा अनाज कहा जाता है। क्यों मोटा अनाज कहा जाता है, ऐसा क्या है इसमें? इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस अनाज का छिलका सबसे मोटा होता है। यूं तो देखने में रागी बाजरा बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा दाना है, लेकिन फिर भी मोटा अनाज। सुनने में ऐसा लगता है जैसे मोटे का मतलब बड़ा दाना। मक्का क्या बड़ा दाना है इसलिए मोटा अनाज है? ना। तो विद्यार्थियों यहां आप देख रहे हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, इनमें अगर हम जौ की बात करें तो ढोलक जैसा होता है, अगर उसको छीलोगे तो उसमें इतने सारे फाइबर निकलते हैं, यही फाइबर मोटे अनाज की विशेषता है। मोटे अनाज हमेशा, इनका उत्पादन सूखे इलाकों में होता है जहां बारिश कम होती है, पानी कम है।